नमस्कार प्यारे बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 2 में पर्यावरण का पाठ नंबर 3 उसका भाग 2 यानी कि खालिस्तान और प्रश्न उत्तर या सही गलत जो आ रहे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने जो आपको इस पाठ में पढ़ाया उसका मैं दोबारा से रिविज़न करती हूँ। इस पाठ में हमारा आया है विद्यालय के बारे में। हमारा विद्यालय, विद्यालय जहाँ हम पढ़ने जाते हैं, ज्ञान हासिल करने जाते हैं, उसी से संबंधित मैंने पहले भी चर्चा की थी और आज भी आपको उस बारे में बता रही हूँ। हमारा विद्यालय, आप जिस विद्यालय में रहते हो उससे संबंधित चर्चा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस विद्यालय के बारे में बताया है मैं उसी के बारे में पढ़ूंगी। यह हमारा विद्यालय है, इसका जो भवन है वो बहुत सुंदर और बहुत बड़ा है। विद्यालय भवन में लगभग 40 बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं और अपने विद्यालय में हम मिलजुल कर पढ़ते हैं, लिखना और खेलना सीखते हैं। हमारे गुरुजी हमको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो इतने में क्या आ गया कि हमारा ये विद्यालय है, इसका जो भवन है वो बहुत सुंदर और बड़ा है। लगभग वहाँ 40 कमरे हैं जो कि बड़े बड़े बने हुए हैं। अपने विद्यालय में हम मिलजुल कर पढ़ते हैं और लिखना और खेलना सीखते हैं। हमारे गुरुजी हमको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, जो हमारे टीचर हैं वो हमको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। उसके पश्चात ये बता रहे हैं कि जिस कमरे में हम पढ़ते हैं उसे कक्षा कहते हैं, कि जिस कमरे में हम बैठते हैं या पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, कक्षा। प्रत्येक कक्षा में बच्चों के बैठने के लिए बेंच तथा डेस्कों का प्रबंध है। आप जाते हो स्कूल में तो देखते हो बेंच और डेस्कों पे ही बैठते हो, तो वो प्रत्येक कक्षा में कह रहे हैं कि विद्यालय की तरफ से बैठने के लिए डेस्कों का और बेंचों का प्रबंध है। और गुरुजी यानी कि जो हमारे टीचर हैं उनके बैठने के लिए क्या लगाता है, कुर्सी तथा मेज। तो कहते हैं कि गुरुजी के बैठने के लिए अलग से कुर्सी तथा मेज भी है। एक ब्लैक बोर्ड भी बना हुआ है जिस पर अध्यापक लिखकर हमें समझाते हैं। आप कक्षा में जाते हो तो वहाँ ब्लैक बोर्ड तो होता ही है, और जो कुछ हमें समझाना हो अध्यापक को वो उस पर लिख कर हमें समझाते हैं। हमारे विद्यालय में एक बड़ा पुस्तकालय भी है, इसमें विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं। हम लोग इसमें पुस्तकें एवं पत्रिकाएं पढ़ते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं, जो पुस्तकालय है उसमें पुस्तकें और पत्रिकाएं हैं जिसे हम देखते हैं, लेते हैं, पढ़ते हैं और उससे ज्ञान हासिल करते हैं। उसके पश्चात विद्यालय में प्रार्थना स्थल एवं खेलने के लिए मैदान भी है। जो हमारा विद्यालय है वहाँ खेलने के लिए मैदान भी है और प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना स्थल भी बना हुआ है। खेल के मैदान में हम अपने निर्धारित समय में प्रतिदिन खेलते हैं और प्रार्थना स्थल पर रोज प्रार्थना होती है। जो खेलने का मैदान है वहाँ तो हम खेलते हैं, और जो प्रार्थना स्थल बना हुआ है वहाँ रोज क्या करते हैं, सुबह सुबह भगवान से प्रार्थना, अपनी अच्छी भविष्य के लिए कामना करते हैं। हमारे विद्यालय में एक सुंदर उद्यान भी है, वहाँ तरह तरह के फूलों के पौधे लगे हैं, हम उन फूलों को कभी नहीं तोड़ते। उद्यान यानी कि एक बगीचा भी बना हुआ है जहाँ पे तरह तरह के फूल लगे हुए हैं और पौधे हैं, हम उन फूलों को कभी नहीं तोड़ते, क्योंकि फूलों और पत्तों को नोचना जो है वो बुरी आदत कहलाती है। ये प्रकृति की देन है, हमें इन्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। बच्चों विद्यालय जो होता है वो हमारा दूसरा बड़ा घर होता है। हम अपने विद्यालय से बहुत प्यार करते हैं, हमें अपने अध्यापकों का आदर करना चाहिए। विद्यालय की किसी भी संपत्ति को किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। विद्यालय के जो उद्यान हैं उसमें फूल पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। हमें विद्यालय में होने वाले सभी उत्सवों जैसे कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती आदि में सक्रियता से भाग लेना चाहिए और उसमें पूर्ण सहयोग करना चाहिए। ये थी विद्यालय से संबंधित जानकारी जो मैंने आपको पिछले भाग में भी दी थी। अब इसका आ गया अभ्यास कार्य जो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे करवाऊंगी। जैसा कि हमने हमारे विद्यालय से संबंधित चर्चा की,
अब एक शांत जो आए हैं उसको हम भरेंगे। आप अपनी कॉपी में उसको अच्छा अच्छा और सुंदर सुंदर लिखेंगे। तो सबसे पहला रिक्त स्थान है हमें समय से जाना चाहिए। तो खाली स्थानों में ऐसा बनाया हमें समय से कहाँ जाना चाहिए। हमें समय से जाना चाहिए। तो यहाँ आएगा विद्यालय। ठीक है, हमें समय से विद्यालय जाना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने खाली जगह दी थी, मैंने आपको एक लाइन बना के बताई है कि हमें समय से जाना चाहिए। ये प्रश्न भी बन सकता है ना, और खाली स्थान भी। हमें समय से खाली स्थान में क्या आएगा, विद्यालय जाना चाहिए। दूसरा आएगा विद्यालय के उद्यान से सभी अध्यापकों का करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, सभी अध्यापकों का आदर करना चाहिए। उसके बाद विद्यालय में होने वाले सभी
अभी मैं खाली जगह छोड़ दी है तो उसको मैं पहले भर दूंगी फिर बताऊंगी, क्योंकि बड़ा नाम बड़ा जाएगा हमारे विद्यालय का नाम।
का तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। बताना है आपने लोगों को कि क्या सही है और क्या गलत है। तो पहला जो कुछ है जिससे आपको हिंदी विषय में भी काफी मदद मिलेगी। धन्यवाद।